फील्ड में पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कदम रखा और जल्दी से जल्दी आपके ऊपर बारिश शुरू हो जाएगी। मेरा इस फील्ड में आने से पहले अपना बिजनेस था और उससे पहले जॉब का एक्सपीरियंस भी रहा था। हमने कोर्स किया है, हम एक्सपर्ट नहीं बन जाते, हमें टाइम चाहिए, एक्स वाई जी काम के लिए आ रहा है। बिल्कुल उसकी मुझे बेसिक नॉलेज नहीं भी होती थी, मैं उस पर टांग अड़ा लेता था, इंटरव्यू देने चला गया कि चलो शायद अर्निंग हो जाएगी। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं उनको कहीं ना कहीं से नॉलेज होता है, इवन अक्सर तो ईवीएस देख के आए होते हैं। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 1200 एवरेज इनकम चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो वैसे तो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, यानी ये होलसेल और प्राइवेट लेबल बिज़नेस दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो टाइम होता है। टाइम की मैनेजमेंट अगर आपकी ठीक हो जाए तो बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं, क्योंकि टाइम इसलिए भी कीमती होता है क्योंकि इसका आपको पता नहीं होता कि किसके पास कितना है और कब ये ख़त्म हो जाए। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स में आने का फ़ैसला कब और कैसे लिया और फिर किस तरह ये आगे ई कॉमर्स में बढ़ते चले गए। अस्सलाम वालेकुम अली हाशिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स में आप आए, आप एज अ शेफ़ भी काम करते रहे, तो जब आप ई कॉमर्स में आए आपको कैसा लगा, आपको अच्छा महसूस हुआ, जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपने इंटरव्यू सुने, लोगों की वीडियोज़ देखी, जब आप प्रैक्टिकली उस फील्ड में आए तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस उसी तरह पूरी हुई? जी बिल्कुल वैसे ही है। साकिब सर की वीडियो, सर कासिम अली शाह की वीडियोस देखी थी और उनकी एक बात जो मैंने अपने माइंड में रखी थी कि इट्स नॉट अ क्विक स्कीम, तो वाकई ऐसे ही है। बट ये कि रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको सब्र करना पड़ता है और हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं, तो वाकई एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं। सर आपको कितना वक्त लगा था कोर्स में और फिर उसके बाद अर्निंग स्टार्ट करने में? मुझे तकरीबन 6 मंथ्स लगे थे अपना फर्स्ट क्लाइंट के साथ जो है डील्स सेट करने में, और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की थी मुझे, आई मीन काउंटलेस मीटिंग्स हैं। तो कुछ की इश्यूज आ जाते थे मेरी साइड से, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता था, कुछ कस्टमर्स को आता था उनको इतना आइडिया नहीं था और उनके बजट में इशू आ जाता था। बट ये कि 6 मंथ के बाद मुझे अपना पहला क्लाइंट मिल गया था। सर बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे ही वो ई कॉमर्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, पैसों की बरसात शुरू हो जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट कितना ठीक है और एवरेज कितना वक्त लगता है एक बंदे को अर्निंग स्टार्ट करने में? अच्छा, इसका आंसर इस तरह से है कि पैसों की बरसात वाली चीज़ कोई फौरी तो नहीं होती है। जी वाकई इस फील्ड में पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कदम रखा और जल्दी से जल्दी आपके ऊपर बारिश शुरू हो जाएगी। कुछ मेरे बैचमेट्स थे जिनको कोर्स के दौरान भी क्लाइंट्स मिल गए थे, तो ये आपके ऊपर लग के जाहिर है आपकी आपका हार्डवर्क है, लेकिन ये नहीं है कि फौरी बरसात शुरू हो जाती है, टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया मुझे 6 मंथ्स लगे थे और बीच में वाकई ऐसा टाइम भी आया था कि मैं सोचता था यार मैं इस फील्ड के लिए हूँ ही नहीं या शायद मुझे क्लाइंट मिल ही नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता रहा, लगा रहा, गिव अप नहीं किया और एक दिन मुझे क्लाइंट मिल गया। सर आपको क्या लगता है अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरफ जाते हैं या किसी अच्छी जॉब की तरफ जाते हैं तो क्या वो फ़ैसला आपका दुरुस्त होता है या ई कॉमर्स में आने का फ़ैसला दुरुस्त है? अलवे मेरा इस फील्ड में आने से पहले अपना बिज़नेस था और उससे पहले जॉब का एक्सपीरियंस भी रहा था। तो बिज़नेस मेरा बेकिंग का था, एकदम से कोविड आया, लॉकडाउन आया और उस दौरान काफ़ी बुरा हाल मेरा फाइनेंशियली हुआ, और उससे मैंने जो मेन चीज़ लर्न की थी वो सबसे बड़ी यही की थी कि लॉकडाउन आ सकता है, कभी भी कोई इमरजेंसी कंट्री में आ जाती है। मेरे कुछ कज़न्स थे या मैं वीडियोस वगैरह देखता था, उससे ये आइडिया होता था कि जो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं उनका काम नहीं रुका, वो लोग अपनी अर्निंग करते रहे हैं, उनको सच है फ़र्क नहीं पड़ा था। तो उस टाइम मुझे यही आइडिया हुआ कि वक्त के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए, ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। जो आप जो ऑनलाइन काम कर सकते हो उसके ऊपर आपके कोई रुकावट नहीं आती है, नो मैटर आपके बाहर क्या हालात चल रहे हैं, तो इसलिए आज से अच्छा फैसला है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ऑनलाइन अर्निंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अभी तक इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है कि कौन से टॉप स्किल्स हैं जो अगर आपके पास हैं तो आपको ऑनलाइन अर्निंग में कोई मसला नहीं पेश आएगा। वो टॉप स्किल्स बताएं जो आपकी लाइफ में, आपकी सारी स्ट्रगल में, जो आपके मतलब काम आए हैं। ऐसा है कि ई कॉमर्स की अगर बात कीजिए, एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है और सर साकिब ने ईवीएस आप सबको अवेलेबल किया हुआ है, 200+ कोर्सेज़ हैं,
इट्स नॉट जस्ट कि आप वर्चुअल असिस्टेंट ही बनो, उसके अंदर 200 कोर्सेज हैं और सारे एक अच्छा अर्निंग की स्ट्रीमलाइन दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है आप अपने आप को पहले EVS देख के अपने आप को श्योर करो कि आप किस फील्ड में जाके वो काम कर सकते हो। अगर मेरी बात करें तो मुझे वर्चुअल असिस्टेंट सूट किया है, जब मैंने उसके बारे में रिसर्च की, EVS वगैरह देखा, फिर उससे ही मुझे आइडिया हो गया था कि आई कैन डू इट। उसके बाद मैंने अपने आप को पेड कोर्स में इनरोल करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चल पड़ा हूँ। सर, जब आप ई कॉमर्स में आए और आपने अपना काम शुरू किया तो आपको भी प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ी मुश्किल लगी? आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग का ही जिक्र करते हैं, तो ये मुश्किल क्यों लगती है, क्या मसला होता है इसमें, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ऐसे अली भाई के जो हमारा अमेज़ोन का जो पूरा प्रोसेस है ना, ये तकरीबन 12-13 स्टेजेस से गुजरता है। प्रोडक्ट हंटिंग से लेके रैंकिंग, इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्टेप्स आते हैं। सही। अब ऐसा है कि अगर आप मेरी पर्सनल एग्जांपल ले लें, मैं हंटिंग में उतना से अच्छा नहीं था, मैं पर्सनली PPC और लिस्टिंग के काम में बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। अब ये है कि हर बंदा आई फील के उसके अंदर किसी ना किसी के अंदर एक स्किल होता है। कोई बंदा हंटिंग में एक्सपर्ट है, कोई सोर्सिंग में एक्सपर्ट है, कोई ब्रांड अप्रूवल लेने में एक्सपर्ट है। तो उसी तरह मेरे पास भी एक टीम है जिसके अंदर अच्छे जो जिस जिसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो काम अपना वो कर देता होता है। बट यही है कि यस, मुझे भी प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थी, लेकिन मैं उस पर स्टक नहीं रहा। मेरा फोकस, मैंने आगे जैसे कोर्स बड़ा लर्न किया कि मुझे लिस्टिंग और PPC का काम अच्छा लगा और मैंने उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ बना ली थी। सर, क्लाइंट्स को जो है ना वो पहले तो ढूंढना, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करना, फिर उनको सेटिस्फाई करना और कन्विंस करना कि आपकी ये प्रोडक्ट है या ये सर्विस है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ई कॉमर्स में सबसे मुश्किल काम ये है कि ये सारा क्लाइंट के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो मुझे ये बताएं कि आप इसमें आपका सफ़र कैसा रहा, आपने कैसे इस काम को स्टार्ट किया? क्लाइंट्स, जैसे आपने बताया कि 6 महीने बाद आपको पहला क्लाइंट मिला, तो क्या फेलियर्स थे, कहाँ पे आपको बाद में पता चला कि यार यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, और फिर आपने उसको ठीक किया तो 6 महीने बाद आपको क्लाइंट मिल गया, वो गलती क्या थी और कैसे आपने सीखा? सबसे पहली चीज़ तो आ जाएगी खुद पर कॉन्फिडेंस, सेकेंड नंबर पर काम के साथ ऑनेस्टी। जब हम क्लाइंट हंटिंग करने जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं एक मेन यही होता है कि यार अर्निंग कर ले, लर्निंग को हम पीछे छोड़ देते हैं। हमने कोर्स किए हैं, हम एक्सपर्ट नहीं बन जाते, हमें टाइम चाहिए। उसमें यही है कि मेरी भी मिस्टेक्स यही थी कि शुरू में कोई बंदा XYZ काम के लिए आ रहा है, उसकी मुझे बेसिक नॉलेज नहीं भी होती थी, मैं उस पर टांग अड़ा लेता था, इंटरव्यू देने चला गया कि चलो शायद अर्निंग हो जाएगी। इवेंचुअली चीज़ों से यही लर्न करना शुरू किया कि पहले जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है उसी को ही पकड़ के काम किया जाए। और क्लाइंट के साथ आज भी मेरा यही है कि ऑनेस्टी सबसे नंबर वन पे। सही। आप उससे चार्जेस ले रहे हो अपने, तो आप उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ उसका काम करके दे रहे हो, ना कि आप सिर्फ उसको क्लाइंट आपको आ गए, पैसे आ गए, अब आप ऐसे वैसे काम चला के उसको दे दो। तो यही है मुझे जो मेरा इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर सफ़र था, उसमें पहली मिस्टेक तो मेरी ये थी कि कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हुआ हुआ था, वो बिल्ट हुआ। स्पेशली ये कि ऑनेस्टी क्लाइंट्स के साथ, ऑनेस्टी। जाहिर है एक बंदे ने आपको पैसे देने हैं कि आप उसका कारोबार करो, बिल्कुल वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो उस ट्रस्ट को आपको मेंटेन रखना ही सारी बात है। अब मैं अगर आपको मीटिंग्स में कहूँ तो मीटिंग्स मेरी यही होती कि क्लाइंट के साथ जो सच्ची चीज़ है वही बताता हूँ, मैं उसको कोई बाग नहीं दिखा रहा होता। जितने परसेंटेज मुझे पता है कि इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी आनी है उसको उतने ही बताने हैं, और सेम एज दैट जो उसकी बजट है, एक बंदा आके कह रहा है मेरा इतना बजट है, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर जो बेस्ट सिनेरियोज उसको आप दे सकते हो, जो बेस्ट ऑप्शंस उसको दे सकते हो, आप उनको वो प्रोवाइड कर दो। और नॉट जस्ट के प्रोवाइड करके आप कह दो कि अब आपने जो डिसाइड कर लिया, साथ साथ उनके हर स्टेप पर गाइडेंस भी उनको दो। तो मेरे लिए तो ये सर, मुझे ये बताइएगा कि ये तो जो आपने सारी बातें बताई ये तो एक फर्स्ट स्टेप के बाद ये सारी चीज़ें शुरू होंगी कि उसको आपका पता लग गया कि आप ऑनेस्ट हैं या आप डेडिकेशन से काम करते हैं, लेकिन जो पहला स्टेप है जहाँ पे आपने सिर्फ क्लाइंट से बातचीत की है, वहाँ आप कैसे उसे कन्विंस करें और क्लाइंट को कैसे पता चलता है कि जिस बंदे से, जिस वर्चुअल असिस्टेंट से वो रابطہ कर रहा है, सर्विसेज लेना चाह रहा है, वो इस कैपेबल है कि वो उसकी सर्विसेज, उसको मियारी सर्विसेज दे सकता है, कैसे पता चलता है क्लाइंट को? नॉलेज। अच्छा, आपके पास एक चीज़ का नॉलेज ही नहीं होगा। आप क्लाइंट के पास जाते हो, जाहिर है एक बंदा, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं उनको कहीं ना कहीं से नॉलेज होता है। सही। इवन अक्सर तो EVS देख के आए होते हैं और उनको भी पता होता है कि यार ये काम फील्ड चलनी कैसे है। आधे वर्चुअल असिस्टेंट वो खुद होते हैं, कुछ ड्रॉप शिपिंग्स करके आए हुए होते हैं, और कुछ तो ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी इतने इंटरव्यूज़ कर लिए होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको क्वेश्चंस पता लग गए होते हैं कि हमने वर्चुअल असिस्टेंट से ये पूछना है। तो यही है कि आपका जो भी स्किल है, आप
पीएल में हो तो पीएल का होलसेल में हो या जो भी आपका स्किल है, सबसे पहले उसके बारे में पूरा नॉलेज रखना ही मेन चीज़ है। अगर वो आपसे आके पूछ रहे कि आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करोगे और आपको पता ही नहीं आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करोगे, आप उल्टा सीधा जवाब दोगे, उसको भी पता लग जाएगा कि आपको काम नहीं आता। तो नॉलेज जो है वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में की फीचर है इसके लिए, क्लाइंट के लिए, कि वो आपको बेसिकली इसी चीज़ से जज कर सकता है कि आपका नॉलेज कितना है। सर, एनेबलर्स का ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और आपकी सक्सेस में इसका कितना रोल है? सक्सेस में कितना रोल है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह एनेबलर्स की सर साकिब की वजह से हैं। और एनेबलर्स जो है उसका जितना शुक्र यानी कर दिया जाए, थैंक उसको कर दिया जाए, वो कम है बिलीव। क्योंकि सर साकिब को अगर आप देखें, उन्होंने हर चीज़ आपको प्रोवाइड की हुई है। सही, EVS दिया हुआ है, मेंटोरशिप दी हुई है, पेड कोर्सेज दी हुई है, वर्क है, वर्क में आप आओ आपको हर तरह का सपोर्ट मिल जाता है। यू हैव टू आस्क। अब ऐसा तो नहीं कि प्लेट में हर चीज़ मिल जाती है, यू हैव टू आस्क। लेकिन अगर आप पूछते हो आपको आपकी बात का जवाब ज़रूर मिलता है, आपको जो हेल्प चाहिए है वो आपको मिलती है। तो इफ़ आई रेट तो मैं इनेबलर्स के एनवायरनमेंट से बहुत खुश हूँ, और चाहे वो कोर्स करना था या वो वर्क का मेंबर होना है। सर, आपकी एवरेज मंथली अर्निंग वो कितनी है? मेरी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 1200 एवरेज इनकम चल रही है। सर, आप क्या समझते हैं कि जिस स्टेज पे आप अभी खड़े हैं, आने वाले वक्त में आप अपना पीएल लॉन्च करेंगे या होलसेल बिजनेस की तरफ जाएंगे या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे? नहीं, मेरा इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है कि मैं अपना जो है लॉन्चेस भी करूं और साथ में पीएल होलसेल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ एक ही को करूँगा, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने अपने रिस्क भी हैं। तो वो देखते हुए मार्केट और अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए मैं इंशाल्लाह अपना लॉन्चेज ज़रूर करूँगा। सेकेंडली, सर्विस प्रोवाइडिंग में हूँ, इंशाल्लाह मैं कल को अपनी एजेंसी बनाना चाहूँगा। और साथ मेरा एक छोटा सा मोटो है, अगर उसको शेयर करना चाहूँ, कि मुझे पर्सनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए करना है कुछ। क्योंकि मैं इस फील्ड में आया, मेरा बैकग्राउंड शेफ़ का था, मैं कोई कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। तो आई पर्सनली फील कि हमारे जो माशरे में उनको एक अच्छा रोज़गार ई कॉमर्स से मिल सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे ख्वाजा साहब को जानता हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो बहुत सारी वजूहात की वजह से हमारी सोसाइटी की जॉब्स या कोई काम नहीं कर पाते। तो मेरा पर्सनली एम यही है कि मैं कल को एक उनका एक अलहदा से सेक्शन बनाऊँ, चाहे इस वीडियो के थ्रू मुझे अगर कोई देख भी रहे हैं, मैं चाहूँगा वो मुझे अप्रोच करें, मैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी वॉक के एक्सपेंसेस सब कुछ करके मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट एक सक्सेस स्टोरी मेरी साइड से आए, जो मेरा ट्रेन किया हुआ एक ट्रांसजेंडर यहाँ पे आके बताए कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ। सर, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो ई कॉमर्स है, इसमें कोई मार्केट सैचुरेशन हो जाएगी या इसमें लोग मज़ीद आते जाएंगे, अभी इसमें बहुत स्कोप और चीज़ें अभी बाकी हैं एक्सप्लोर करने वाली? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा है कि मार्केट तो ये ख़त्म नहीं होने वाली है, फ्यूचर इज़ ई कॉमर्स। आपकी हर चीज़, इवन कि मैं बेकिंग का बिज़नेस करता था तो वो भी अब आप देखें तो ऑनलाइन आ गया है। तो ऑनलाइन बिज़नेस तो कभी ख़त्म नहीं होना, इन्वेस्टर आता रहेगा। ये हमारी फील्ड में कहता हूँ डॉक्टर्स की तरह है कि हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ आती रहनी है, यू हैव टू लर्न इट। तो अब हम लर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक स्पेस है नए आने वालों के लिए भी। लेकिन इट्स नॉट जस्ट कि आप अमेज़ॉन को ही पकड़ो, वॉलमार्ट, ईबे, इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, को सबके अंदर घुसना चाहिए, सबके अपने अपने पार्ट्स हैं। सर, साकिब अज़र साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, अभी आपने जिक्र भी किया कि वो जिस जिस तरह से काम करें, उनके विज़न और उनकी थिंकिंग को आप कैसे देखते हैं? मैं इस तरह देखता हूँ कि अगर अपनों में भी बात की जाए या आसपास देखा जाए तो कोई भी आजकल ये चीज़ पसंद नहीं करता कि अगला हमसे ऊपर चला जाए। सही। और सर साकिब की जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ हमारे लिए वो एज अ ब्लेसिंग इस चीज़ में आई है कि वो शेयर करते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपना नॉलेज, प्लेटफॉर्म बनाना, EVS, इवन कि आप आज भी देखें कि वो पेपाल के लिए भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका तो ये नेशन देन दे ही नहीं सकती। सही। इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा पाकिस्तान का ई कॉमर्स का जो भी बनता है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ सर साकिब का है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्लाइंट्स को ग्रैब करने के हवाले से आपने भी काफ़ी गुफ्तगू की, ऑनेस्टी की बात की, इन सब चीज़ों की बात की, कोई दो तीन टिप्स आखिर में जाते जाते जो हमारे लोग आना चाहते हैं उन्हें कोई सजेशन, कोई टिप्स, कोई मशवरा वो आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं? ऐसा है कि अपनी प्रेजेंस बनाएं ग्रुप में, इनेबलर्स के ग्रुप्स हैं, उसी तरह और भी इंटरनेशनली भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, लिंक्डइन है, आप अपनी प्रेजेंस बनाएं, क्वेश्चंस के आंसर्स करें,
अपनी जो नया नॉलेज आप लर्न करते हो, किस फील्ड में रोज़ नया से नया नॉलेज आ रहा है, आप अपना नॉलेज शेयर करें, आप अपनी जो एक्सपीरियंसेस हो रही हैं क्लाइंट्स के साथ आप उसको शेयर करें। ये आपको एक क्लाइंट के आगे एक प्रेजेंट करते हैं, आपकी एक पोर्टफोलियो बना देते हैं बेसिकली कि आप ये काम कर रहे हो, आपको ये चीज़ आती है। तो क्लाइंट को अगर आप चाहते हैं कि ढूंढा कहाँ से जाए, अगर इस सवाल को इस तरह से लें तो उसका यही एक आंसर है जी, कि ग्रुप्स में जाएं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हर प्लेटफॉर्म को पकड़ें और उसके अंदर अपनी प्रेजेंस बनाएं, यही सबसे अच्छा इसका जो है हल है। थैंक यू सो मच अली हाशिम साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और बिलखसूस जो इन्होंने टिप्स दी हैं क्लाइंट्स के हवाले से, कि जब आप उनसे बातचीत करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, तो आपने सिर्फ उनको ये एहसास दिलाना होता है कि आप कैपेबल हैं, ऑनेस्ट हैं, तो इससे आपकी सारी डीलिंग्स खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। इसी पे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।